गुरदासपुर अंदर फटिया कोविड बंब, कोविड के 44 केस आए सामने। इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर ने लोगों को अपील की है कोविड संबंधी नियमों की पालना करने की, क्योंकि कोविड केस अंदर लगातार आ रहा इजाफा मास्क पाने जिला गुरदासपुर के अंदर लाजमी कर दिता है। लोगों को कोविड की दोवें डोजा लगवानियां लाजमी कर दी गई ने, इस दे नाल ही गुरदासपुर के सरकारी दफ्तर के अंदर नो वैक्सीन नो सर्विस और कई विशेष कदम चुके जा रहे हैं। पब्लिक जो संदेश देना चाहते हैं कि कोविड 19 की जी थर्ड वेव है वो शुरू हो चुकी है, एकदम केस आने शुरू हो गए हैं। जिला गुरदासपुर की जो गल करिए पिछले 4 दिन 44 केस हो गए और जिहड़े नवे केसां दी गिनती है वो वधदी जा रही है। जिवें उदाहरण के तौर पर 2 दिन पहले 7 केस नवे आए थे, परसों 10 केस नवे आए थे, कल 14 केस नवे आए थे। सो जिस तरीके नाल केसां दी गिनती वध रही है वो तो खदशा लग रहा है कि 15 जनवरी तक बहुत ज़्यादा केसिज ईवन जिला गुरदासपुर के हो जाने हैं। अज की जी अपनी मीटिंग है यदा राही मैं आम पब्लिक में संदेश देना चाहना कि जेकर असी कोविड के इस प्रकोप तो बचना है, जिन्ना सा नुकसान सैकेंड वेव के होया वो तो असी बचना है, तो वो सानू उस प्रकार फिर मूँह तो मास्क लगाना पेगा, 2 गज की दूरी का नियम फॉलो करना पेगा, हत्थों उस प्रकार आप बार बार सैनिटाइज करना पेगा, तो तद ही असी तो बच सकते। जेडे लोगों ने सिंगल डोज लगाई है वैक्सीन की, उन्होंने मैं अपील करना कि सैकेंड डोज लगा लैन, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस तो अलावा जिन्हें बिल्कुल नहीं लगाई वो अपनी फस्ट डोज लगा लैन, क्योंकि वेख्या गया जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है जेकर उन्होंने कोविड हुंदा भी है तो कोविड के दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा घट जाते हैं, हस्पताल जाने की लोड़ नहीं पैंदी हैगी है। जिहड़े साडे व्यापारी वर्ग के मैरिज पैलेस वाले ने या जिहड़े भी जनतक स्थानों के लोग अपने चला रहे हैं बिजनेस नूं, जेकर उन्होंने क्लोज्ड प्रैमिसिज ने तो वह भी अपने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी नूं लागू करन। सरकारी दफ्तर असीं बहुत जल्दी नियम लागू करन जा रहे हैं कि जिहड़े कोल डबल वैक्सीनेशन नहीं होएगी उन्हें कोई सर्विस नहीं मिलेगी। तो 15 जनवरी सरकार ने डेट फिक्स की है, 15 जनवरी तो बाद किसी भी व्यक्ति ने जिन्हें डबल डोज नहीं लाई हुई सरकारी दफ्तर च एंट्री नहीं मिलेगी, ईवन प्राइवेट दफ्तर वास्ते भी नियम लागू हो जा रहे हैं। सो असी एक बहुत दोबारा तो फिर थर्ड वेव नूं सामना करना पै रहा है। पठानकोट दे विच गल करिए कल 78 केस आए हैं, तो जेकर पठानकोट 78 आए हैं तो साढ़े भी गुरदासपुर ज़्यादा केस आने की संभावना बढ़ती जा रही है। सो मैं सारे नूं अपील करांगा कि असी कोविड की महामारी तो बचने वास्ते जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स ने उन्हां दी सख्ती नाल पालना करिए और अपनी वैक्सीन लवाइए। जेकर किसी वीर नूं भैन नूं भरा नूं माता नूं कोविड हो भी जाता है घबराने की लोड़ नहीं है। जेकर सैचुरेशन लैवल डाउन है, डाउन नहीं है मतलब 90+ है, तो अपने घर के ही रहो, मिशन फतेहगढ़ तुहाडे घर पहुँचेगी पहला प्रकार ही, और तुहानूं टैलीफोन के उपर भी डॉक्टर वालों सलाह दी जाएगी, और जे तुहानूं वैक्सीन लगी है तो जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। परंतु अपने आप नूं बाहर नहीं जाना, आइसोलेट करना है, क्योंकि जे किसी नूं कोविड होया है तो जो बाहर जाता है तो कई बंदे नूं बीमारी कर सकता है। इस प्रकार कई लोगों नूं गला खराब की शिकायत हो रही है, बुखार हो रहा है, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना टेस्ट करा लो और टेस्ट कराने के बाद वजूद भी अपने आप को आइसोलेट करो, क्योंकि जे किसी बुखार है या गला खराब है वो समझदा कि मैंने वायरल होया, पर कई बार वायरल नहीं मिलता। जिवें कल ही थापर कॉलेज के 75-80 बच्चे पॉजिटिव आए थे, वो होंदा यही है कि एक बंदे नूं सिम्पटम होंदे ने उहदी परवाह नहीं करता हैगा तो उहदे नाल बाकी बंदे दा भी नुकसान हो जाता है। पहला वांग ही जिहड़े साढ़े 60 साल की उम्र तो ज़्यादा लोग ने या जिन्हां नूं कोई बीमारी है उन्हां नूं ज़्यादा रिस्क है, तो जिहड़े यंग बच्चे ने उन्होंने जो होंगे तो अपने जो घर के बजुर्ग ने उन्होंने थोड़ा दूर रहो, अपने आइसोलेट करो, तुरंत अपना टेस्ट कराओ। साढ़े को सारे साधन पूरे मौजूद ने, ऑक्सीजन प्लांट भी लग चुके हैं और साढ़े को बैड भी सफिशेंट ने। अजय परमात्मा की कृपा नाल कोई बैड से कोई पेशेंट नहीं आया, पर जिस प्रकार ने केस बढ़ रहे हैं बड़ी छेती ही हॉस्पिटल एडमिशन की भी लोड़ पेगी। सो सारे जे असी जी तो बचना चाहते हैं और जो सानू सैकेंड वेव के प्रकोपी का सामना करना पे है, जेकर असं उस तो बचना चाहते हैं तो हूँ समा हैगा कि असी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करिए, मास्क पाइए, हत्थों को सैनिटाइज करिए और वैक्सीन लगाइए। कल माननीय मुख्य सकत्र जी की प्रधानगी हेठा एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग हुई सी, जिदे च पंजाब सरकार के सारे प्रशासनिक अधिकारी, हॉस्पिटल डायरेक्टर हेल्थ सर्विसिज, ये माहिर डिप्टी कमिश्नर साहबान ने, SSP साहबान ने मीटिंग ज्वाइन की सी।
उहदे विच उन्हां ने एक सब कमेटी का गठन किया जिहड़ी शाम तक जनतक रैलियां वास्ते चाहे वह कोई धरना प्रदर्शन है चाहे कोई पोलिटिकल रैली है गाइडलाइन जारी करनगे और जिहड़ियां वी गाइडलाइन जारी होणगियां मेरी उन्हां सारियां पार्टियां नूं सारियां जथेबंदियां नूं अपील है कि उहदी पालना की जाए उहदे बारे आस है कि शाम तक यानी कल सवेर तक दिशा निर्देश पंजाब सरकार तों आ जाए। होर जानकारियां लैण लई साडे नाल जुड़े रहो। तुसीं देख रहे चैनल शान पंजाबी माण पंजाब दे। इस चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ।